दोस्तों, हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास किसी के अंदर भूत या शैतान चढ़ा हुआ है और कई बार कोई धर्मस्थल या मंदिर में किसी को या एक साथ कई लोगों को माता चढ़ा हुआ है। आखिर किसी के अंदर भूत का प्रवेश करना या किसी के अंदर माता का प्रवेश करना होता क्या है? तो चलिए इसके पीछे का राज जानते हैं। आखिर ये सब होने का वजह क्या है और विज्ञान इनके बारे में क्या कहता है? दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। तो प्रोफेसर, किसी के अंदर भूत आना या शैतान आना, ये सब कैसे होता है? इस दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग हैं और इन सभी लोगों का रियलिटी को देखने का अपना ही एक अलग नजरिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो नजरिया रियल रियलिटी से मैच करता हो। जैसे इस आधार पे इस घटना को देखिए, ये लड़का 20 साल का हॉस्टन है और उसके साथ उसका डैड है मार्क, लेकिन ये पिक्चर में दोनों को काफी नॉर्मल लग रहा है। लेकिन 21 नवंबर 2011 को हॉस्टन हर रोज की तरह जिम से आया और रात को सो गया। उसके घर में उसका डैड, उसका सिस्टर और उसका बुआ रहता था। फिर अचानक से वो रात के 1 बजे अपने डैड को चाकू से 60 बार भोंकने लगा और उसने अपने डैड को मार डाला। इतने क्रूर तरीके से कोई अपने ही डैड को कैसे मार सकता है? फिर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ और पुलिस उनके घर वालों से पूछताछ किया, तब पता चला कि वो ऐसे तो बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन कुछ महीनों से उसमें कुछ चेंजेस दिखने को मिल रहा था। वो अपने ही दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था और वो उनसे कभी भी झगड़ने लग जाता था और वो ज़्यादातर वक्त अपने आप को कमरे में बंद करके रखता था। यहाँ तक वो अपने घर वालों से भी छोटे छोटे बात पर झगड़ने लग जाता था। उसका बुआ ये सब नोटिस किया और उसे इनके बारे में पूछता था, तो पहले तो वो उन्हें इग्नोर करता था, पर एक दिन अपने बुआ को सब बताया। उसने बोला कि उन्हें अक्सर एलियंस दिखाई देता है, सुनाई देता है और उनसे वो बातें भी करता है, और उसने अपने बुआ से उनके एलियन दोस्त को मिलाने के भी बात बोला। इसके बाद वो बोला कि मेरा डैड मुझे रोज थोड़ा थोड़ा करके जहर खिलाता है और वो मुझे मारना चाहता है, और वो जहर खाने से उसके अंदर एक शैतान आ जाता है जो मजबूर कर रहा है अपने डैड से छुटकारा पाने के लिए। और उसके बाद जब ये हादसा हुआ तो हॉस्टन के साइक्रेटिक एंड मेडिकल डायग्नोसिस के बाद सबको ये पता चला कि उसे स्किजोफ्रेनिया नाम का साइक्रेटिक बीमारी है, और ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। और इस बीमारी में अपने ही ब्रेन अपने ही कंट्रोल में नहीं रहता है, जैसे मानो ब्रेन को हैक कर लिया गया है, और ये वो सब चीज़ें देखने सुनने और महसूस करने लगता है जिसका वास्तविकता में कोई वजूद नहीं है। मतलब वो एक तरह से भ्रम में जीने लगता है, जिसे कहा जाता है हेलुसिनेशन। इस बीमारी में कुछ पेशेंट्स को कई तरह का पैटर्न्स नज़र आता है और कुछ को तो पूरा दुनिया उलट पुलट नज़र आता है, और कोई अपने ही शरीर में रेंगते हुए कीड़े महसूस करते हैं, और कुछ तो अपने ही पीछे आत्माओं को महसूस करते हैं, और कोई कोई तो उनका आवाज़ भी सुनता है। अगर आपको हेलुसिनेशन का आइडिया नहीं है तो इसे देखिए। ये हेलुसिनेशन का एक रिक्रिएटेड सिमुलेशन है, इसमें पूरा दुनिया कैसे अजीब दिखाई दे रहा है। तो सोचो कैसा होता है उनके साथ, जहां वो एक डर में जी रहा है कि पता नहीं आगे जाके क्या दिख जाए या क्या महसूस करने लगे। वो हर पल बस इसी डर में रहेगा कि जो वो देख रहा है या महसूस कर रहा है, क्या वो सच में है या उसका भ्रम है, और वो अपने आप को ही भरोसा करना बंद कर देगा, और वो कहीं भी जाए वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेगा। दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से 1.5% लोग स्किजोफ्रेनिया का शिकार है। लगभग 5 करोड़ लोग हर रोज इस बीमारी से सफर करता है और लाइफ को ऐसे ही जीते हैं। 10 स्किजोफ्रेनिया पेशेंट्स में से 1 पेशेंट इस बीमारी के वजह से अपनी जान तक ले लेता है, और बाकी के 4 पेशेंट अपनी पूरी लाइफ में एक ना एक बार सुसाइड अटेम्प्ट करता ही है। मतलब इस बीमारी में एक एक दिन निकालना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो इससे बचने के लिए मौत को गले लगाना आसान समझते हैं। स्किजोफ्रेनिया का और एक सिम्टम है डिल्यूशन। इसमें पेशेंट का कुछ ऐसा बिलीफ या मान्यता है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जैसे पेशेंट अपने आप को कोई फेमस या अमीर इंसान समझ सकता है, जैसे कि कोई एक्टर या क्रिकेटर, और वो उनके जैसा बिहेव भी करेगा, लेकिन रियलिटी में तो वो एक आम इंसान ही होता है। और किसी किसी को लगता है कि कोई एक्टर या एक्ट्रेस उनसे प्यार करता है, और कुछ केसेस में तो पेशेंट को ये लगता है कि उनके पार्टनर उन्हें चीट कर रहा है, और कुछ केसेस में पेशेंट को लगता है पूरी दुनिया उसे मारने की कोशिश कर रहा है। और इसी अनरियल दुनिया की वजह से उसे जो ट्रेस होता है, और एक समय आता है जब ये सब और हैंडल नहीं कर पाता है, तब वो राहत के लिए वो सारी चीज़ें करने के लिए मजबूर हो जाता है जो एक आम आदमी कभी सोच भी नहीं सकता।
और यही सब कारण के वजह से उनसे कोई ना कोई क्राइम हो जाता है। और क्या आपको पता है, इस स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट कोई भी क्राइम जैसे चोरी, डकैती, मर्डर या रेप या टेररिज्म के चांस एक नॉर्मल आदमी से 5 से 6 गुना ज्यादा होता है। आफ्टर ऑल हम सभी इंसान होमो सेपियंस से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग कैसे एक दूसरे से अलग है, कैसे इतनी यूनिक तरीके से रियलिटी को इंटरप्ट करते हैं, वो भी सिर्फ एक बीमारी की वजह से। इवन इस बीमारी में भी हर किसी का दिमाग एक जैसा रियलिटी को इंटरप्ट नहीं करता। अब चलिए हमारी आसपास की दुनिया में। हम अपने आसपास की कई मंदिरों में बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि कई लोगों में माता चढ़ता है और वो लोग जोर जोर से सर को यूं घुमाता रहता है और कुछ भयानक तरीके से नाचने लगते हैं और कई लोग इनके पैर छू के आशीर्वाद भी लेते हैं। और बचपन से हम भी यही जानते थे कि जो मन से माता के लिए श्रद्धा रखता है उनके शरीर में माता प्रवेश करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमें पता चलता है ये सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं होता है, पूरे विश्व में कई मंदिर, मस्जिद और कई चर्चों में ये सब होता रहता है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आखिर हम इंसानों को वही सुनना और समझना अच्छा लगता है जिसे हम देखते हैं कि ये हमारे दिमाग को तुक बना सकता है बिना ज़्यादा मेहनत किए। जैसे हमें दिख रहा है कि इनके शरीर में कोई आत्मा या चुड़ैल समा गई है। कुछ केसेस में तो ये लोग कॉन्फिडेंटली अपने और कई लोगों के पिछले जन्म के बारे में भी कह देते हैं, तो इनमें कुछ तो सच्चाई होगा ना। लेकिन विज्ञान का माने तो ये लोग और कुछ नहीं बस मानसिक बीमारी का शिकार होते हैं, जो अपने श्रद्धा और भगवान के आस्थे पे इतने घुस चुके होते हैं कि ऑलमोस्ट भगवान के प्रेजेंस को हेलुसिनेट करने लगता है। और अब अगर ऐसा कोई इंसान मंदिर में जाएगा जहाँ पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है, मतलब आरती चल रहा है, मूर्ति उनके सामने है, श्लोका गाया जा रहा है, लोग नाच रहे हैं, तो ये सब इनके दिमाग के लिए एक ट्रिगर पॉइंट का काम करता है। एक ऐसा ट्रिगर जो उनके डीप रूटेड हेलुसिनेशन और डिल्यूशन के बीच होता है, जो उस फसल को पानी देने का काम करता है और उसका दिमाग बस हाईजैक हो जाता है और वो इस दुनिया के रियलिटी से क्रोसो दूर अपनी खुद की बनाई हुई रियलिटी में घुसने लगता है, जहां वो खुद चंडिका माता होते हैं और उनके सामने सभी भक्त नाचते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं। और ये सब चीज़ें हर कल्चर में होता है, क्रिश्चियनिटी में भी, इस्लाम में भी, हर जगह पर होता है। और प्रोफेसर, कई बार एक ही आदमी के अंदर 2-3 आदमियों का बिहेवियर देखा जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसके पीछे और एक वजह है जिसे मेडिकल साइंस कहते हैं DID, यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिफाइड डिसऑर्डर। इस बीमारी में एक ही इंसान के शरीर में सिर्फ एक नहीं मल्टीपल पर्सनालिटीज रहते हैं, जो उसकी दिमाग को इमोशनल ट्रिगर पॉइंट के वक्त हाईजैक कर सकता है और वो पर्सनालिटी बदलते रहते हैं। और ये पर्सनालिटी कोई भी हो सकता है, इंसान से लेकर जानवर, परियों से लेकर शैतान, कोई भी। और जब भी DID के पेशेंट अपनी नॉर्मल पर्सनालिटी से ट्रांसफर होके जब दूसरी पर्सनालिटी में चले जाते हैं, तो उस दौरान क्या किया, क्या सुना, क्या देखा, उसको कुछ याद नहीं रहता। असलियत में DID ब्रेन का एक डिफेंस मेकनिज्म है, जो दिमाग में हुए बचपन के बहुत ही स्ट्रेस और पेन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए डिफेंस के तौर पर ब्रेन डेवलप करता है। इन सब के अलावा हमारा न्यूरोसर्किट्री में एक C4 नाम का जीन रहता है, जो साइनेप्टिक प्रूनिंग के लिए रिस्पॉन्स होता है, यानी वो जगह, वो पॉइंट जहाँ पे 2 न्यूरॉन अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। ये जीन उन सिम्सेप्स को काट के निकालता है और इसीलिए मैसेज दिमाग में ठीक से ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो सोचिए, सिर्फ दिमाग के कुछ वायरिंग चेंजेस की वजह से उनको रियलिटी कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने को मिला तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।